मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में किया जाएगा विकसित। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने पंचायत समिति अंता की विभिन्न ग्राम पंचायतों का किया दौरा। नरेगा योजना के तहत चल रही साइट्स का किया निरीक्षण। रोजगार के इच्छुक लोगों को मनरेगा योजना के तहत नियोजित करने के दिए निर्देश। श्रीगंगानगर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में मनाया गया पृथ्वी दिवस। महाविद्यालय की छात्राओं ने पृथ्वी, जल और वायु संरक्षण से संबंधित पोस्टर बनाकर पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सवाईमाधोपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। रैली के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों ने पर्यावरण के प्रति आमजन को किया जागरूक। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने विराटनगर उपखंड क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश। भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने सवाईमाधोपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। विभागीय अधिकारियों को योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश। आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर में आयोजित किया गया हेल्थ मेला। मेले में उपस्थित लोगों को तंबाकू का सेवन न करने की दिलवाई गई शपथ। देश की सबसे बड़ी फर्टिलिटी क्लिनिक चयन इंदिरा आईवीएफ की ओर से उदयपुर पुलिस लाइन में चाइल्ड केयर भवन का करवाया गया निर्माण। भवन में बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स सहित की गई हैं विभिन्न व्यवस्थाएं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत 6 LNP में आयोजित किया गया शिविर। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही किया निस्तारण। बांसवाड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का किया गया आयोजन। राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने की कार्यक्रम में शिरकत। सीकर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय बैठक हुई आयोजित। जिला कलेक्टर एविचल चतुर्वेदी ने पोस्टर आओ मिलकर बाल विवाह रोकें का किया विमोचन। जयपुर जिले के बस्सी थाना परिसर में महिला आत्मरक्षा का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया जा रहा है आयोजित। महिलाओं और बालिकाओं को सिखाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के गुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर आज मनाया गया 67वां रेल सप्ताह। मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर ने विभिन्न शाखाओं के 228 कर्मचारियों को किया सम्मानित। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई कर अलवर में यूआईटी के कनिष्ठ अभियंता और दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। परिवादी के प्लॉट पर निर्माण कार्य नहीं तोड़ने की एवज में मांगे गए थे 4 लाख रुपए। और जोधपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशन में हुई कार्रवाई के दौरान पीसीपीएनडीटी इकाई ने कन्या भ्रूण परीक्षण के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा।